हे गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आशा आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है छठ पूजा का पहला दिन, नहाए खाए, तो आपको इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वैसे मैंने नहा लिया है, मम्मी ने भी नहा लिया है, तो अभी हमने चावल चढ़ा दिया है और मम्मी काट रही है सब्जी। तो देखो चावल चढ़ा दिए, हाँ मम्मी काट रही है सब्जी। तो घिया कट रहा है, घिया और चने का दाल बनेगा और आलू गोभी की सब्जी और चावल बनेगा। और पूजा हो गया है, मम्मी ने नहा के पहले पूजा कर लिया, उसके बाद सारा काम शुरू किया है। तो वैसे मम्मी छठ पूजा का व्रत इस बार नहीं कर रही है क्योंकि ऐसी कोई परेशानी है, तो मम्मी ने आज नहाए खाए का जो नियम है वो करेंगी। उसके बाद फिर जो आज पूजा करके और जो पैसे तुलसी में रख देंगी, तुलसी की, तो तुलसी में नहीं रखा है मम्मी ने, मंदिर में रख दिया है। तो जब आखिरी दिन होगा पारण के दिन, जब छठ पूजा का आखिरी दिन होगा, तो उसी पैसे से मम्मी कुछ खरीद के मीठा खा लेंगी। और हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ मंदिर में मम्मी ने 11 रुपये रख दिए है, उसी से प्रसाद खरीद के खाएगी। तो वैसे मेरी मामी कर रही हैं छठ पूजा, तो हम लोग उनकी छठ पूजा में शामिल होंगे, तो उन्होंने तो खाना बना लिया होगा। तो देखो घिया कट गया है और यहाँ मम्मी चने का दाल डाल रही है, चने का दाल और घिया की वो दाल बनेगी मिक्स करके। तो यहाँ गोभी काट के मम्मी धो रही हैं, ये देखो, और ये देखो चावल तैयार हो चुका है गर्मा गर्म, और यहाँ दाल तैयार हो चुका है, तड़का भी लग गया, और यहाँ सब्जी बन रही है। तो खाना बन गया है, तो मम्मी निकाल रही है अपने लिए खाना। तो देखो दाल कितना अच्छा लग रहा है। तो मम्मी ने खाना निकाल रही है, अब खाना शुरू कर रही हैं। तो मम्मी को खाना खिला के हम लोगों ने भी खाना खा लिया है और बाकी सब चले गए हैं काम पे अपने। तो देखो अभी सेक लेटा हुआ है, बेचारे का हाथ जल गया, तो मैं उसका हाथ दिखा नहीं सकती, ऐसे देखो। तो मैं आ गई अपने कमरे में, तो पता है ऋषभ की मम्मी ने कमरा खाली कर दिया है, मैं दिखाती हूँ आपको उसका कमरा। तो देखो ये रहा ऋषभ की मम्मी का कमरा, और मैं आपको खिड़की से दिखाती हूँ, ये देखो। तो ये रहा किचन, और देखो किचन में जाले कैसे लगे हुए हैं इनके, जाला भी नहीं हटाया इन्होंने। तो देखो पूरा किचन खाली हो चुका है। तो ये आया अपनी मम्मी को फ़ोन करवाने के लिए। मेरे घर में आया एक नया मेहमान, तो मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। तो देखो यही है वो मेहमान, कितना अच्छा लग रहा है ना, बकरा देखो कितना अच्छा बकरा है। इसके बाल देखो एकदम असली लग रहे हैं, असली नहीं है ये, देखो इसके बाल कैसे सेट किए गए हैं, और इसका मुंह देखो, और इसका ये देखो सींग, एक को हिलाएंगे तो दोनों हिलेंगे, ये देखो दोनों हिल रहे हैं ना, कितने अच्छे से बनाया गया है इसको, एकदम असली लग रहा है दूर से। तो आज के लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।